तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जय श्री राम सभी लोगों को एंड जय श्री कृष्णा। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं प्यारे प्यारे पहाड़ों पे, और वो चल के आ रहे हैं, वो काफ़ी दिन से चल ही रहे हैं, और 700 700 1400 1400 1400 2800 इतना चलते ही रहेंगे हम, है ना। पहले तो आप वो देखो बादल, उसके बाद मुझसे कुछ बात करना। तो मुझे बताओ पहले तो उस वाला सीन आपको कैसा लगा? आप जाना चाहोगे तो उसमें, अगर जाना चाहो तो भाई कमेंट करना, और ना जाना चाहो तो लाइक ठोक के निकल जाना, कमेंट भी मत करना उनके लिए, तो है ना। तो अभी जा रहे हैं हम एक प्यारी सी डेस्टिनेशन, जो मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो मेरा सेकेंड टाइम है वहाँ जाने का। मुझे बस वहाँ के बस एक चीज़ अच्छी लगती है, क्या वो नहीं बताऊँगा। तो मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दो भाईजान, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, पीछे आत्मनिर्भर तुलसीदास, और दूसरे का नाम है आत्मनिर्भर भारत का इकलौता नागरिक। और ये दो दिन से मेरे साथ हैं, दो दिन से मुझे लग नहीं रहा ये मेरे साथ हैं, बस साथ हैं। क्यों साथ हैं वो इनसे पूछो। मकसद हमारा कुछ और है, मकसद बाद में बताया जाए। मकसद है चिम टपक डम डम, हम सबका एक ही मकसद है, चिम टपक डम डम। तो देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, दिखा देते हैं, देख लेंगे वो। चलो अभी आपसे मिलते हैं। मैं ऐसा तो कुछ था नहीं, हम दूसरे रोड से आ रहे हैं, पुराने वाले रोड से नहीं आ रहे। फिर भी नए रोड पे भी टूट चुका है ये नहीं समझ में दिख रहा तुझे? अभी हम रुके हैं एक कैफे में जिसका नाम है नेचर व्यू कैफे, ओके। और वो रहे सब लोग, वो रही, वो अपने टाइम सिस्टम में लगे रहते हैं, उनका सिस्टम अलग है। यहाँ पे ना हो रही है, तो गोभी हो रही है। हाँ, और यहाँ पे हो रही है गोभी कैफे में, तो मैं आपको गोभी दिखाता हूँ पहले ना। देखो ये हो रही है गोभी, देख रहे हो, हमारे आगरा में भी गोभी होती है, यहाँ भी गोभी होती है। क्यों यहाँ का बहुत कुछ देखा है मैंने, तो ये यहाँ की गोभी हमारी गोभी से अलग है क्या? यहाँ का बहुत कुछ देखा है मैंने। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, आपकी गोभी हमारी गोभी से अलग है क्या? वो झरना बह रहा है, वो काफी प्यारी आवाज आ रही है, पर आप सुन नहीं पाओगे तो इसलिए बताना भी बेकार है ना। सुन पाएंगे, देखो प्यार से सुनो, सुन पाओगे, देखो प्यार से सुनो, नहीं सुन पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर से आवाज लगा दूंगा सुनने वाली, है ना। देख रहे भाई, तो पहले कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से कुछ खाएंगे। गाड़ी देखो कैसी हो गई है अपनी, देख रहे हो गाड़ी पूरी नशे की हालत में। क्या हो गया? पैसा 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 ख़त्म हो गया हम पे, और हम गरीब हो गए हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ जिससे हम पैसे वाले हो जाएं गाइस। ये अपना कैफे जिसमें अभी कुछ खाने वाले हैं, हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी
तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले कुछ बनवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो आ गए अपने गोभी के परांठे, क्योंकि गोभी की खेती बगल में, इस चक्कर में गोभी के परांठे आ गए हैं फ्रेश। और इन लोगों ने मंगाया है अपने लिए फ्रेश। तूने क्या मंगाया? मैगी। उन्होंने मैगी बनाई, पहाड़ी मैगी। मैगी मैगी मेरा तो हर बात का मैगी। अब मैं परांठे खाने वाले लोग। एक और परांठा आ गया भैया। बटर नहीं है तो बटर दे दो यार, एक बटर दे दो। तो अभी मैंने मंगाया बटर, क्योंकि मेरे को बिना बटर के अपना परांठे अच्छे नहीं लगते। पहले बटर आन दो, तब तक एक बैठा चार से खा के देखते हैं परांठा कैसा लग रहा है। हाँ बढ़िया परांठा है, गर्म ही नहीं लग रहा हूँ। बस गर्म नहीं लग रहा है और जस्ट अभी बन गया है, इसलिए समझ आएगा टेम्परेचर है ना। ये मैगी तो ऐसी लग रही है बिल्कुल ठंडी। वो आठ है, आठ समझ। तो चलो पहले से फिनिश करते हैं सबको, फिर उसके बाद मिलते हैं ना। ऊपर देखो चाय में चीनी कम होने के कारण भैया ने यहाँ पे मिक्सर चला है, चीनी डाली है, चीनी डाली हुई है, सीमेंट बन रहा है। देख रहे हो कैसे ठहर रहा है ये। मैं अपना फिनिश करके एकदम बिल्कुल खत्म कर चुका हूँ। मेरा ऐसा लग रहा है जस्ट अभी अभी आया है, क्योंकि ये दो घंटे में एक चाय खत्म करती है। और इधर भी मिक्सर चालू हो गया अब दूसरा वाला। भाई क्या स्वाद है चाय में। तुम्हें कैसा लग रहा है? बस सीमेंट तैयार होने वाला है मकान में लगने के लिए। अपनी गाड़ी इतनी प्यारी आ रही है ना पीछे से, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, कितनी कीचों में चलाई है हमने। सीमेंट का घर कौन सा है? अब जो घर घर में जाएगी वो घर ही है। ये है लद्दाख की अलग से दिखे की गाड़ी आ रही है, लंबा चल के 2000 प्यारा सा जाना। ब्यूटीफुल पराठा किसका बचा? ब्यूटीफुल है अपना ऊपर जाने के लिए चेक पोस्ट। तो अभी हम चेक कराने वाले हैं जो हमारा परमिट था, तो अभी परमिट चेक कराते हैं। UPSC अकेली दौड़ रही है यहाँ पे इन पहाड़ों में, उसे दौड़ाने वाले हम लोग हैं। हम लोग आराम से फिरते आराम से। और यहाँ पे होता है पुलिस असिस्टेंस सेंटर है ना, यहाँ पे होती है चेकिंग। और मैंने करा लिया है अपनी गाड़ी का, बट वो भैया कुछ लेने गए हैं तो उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएँ और हम निकलें, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और इशारे के लिए समझदार काफ़ी होता है, राइट। तो चलो आते हैं फ्री होके और फिर दिखाते हैं आपको प्यारा सा नेचर। मतलब मैंने यहाँ से भी चेक कराया था, फिर गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है, तो मैंने कि बार बार क्यों चेक करा था, फिर हूँ एक बार चेक करा के निकल गया। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे यहाँ से आगे।